प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के नाम में आप सभी को सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस माइटी नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज के वीडियो नंबर 51 मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि बेसिक टीचिंग को आप इन दिनों में सीरियसली ले रहे हैं और आप उस वचन का आनंद भी उठा रहे हैं। कलाम पाक कहता है कि हमारा जो शरीर है ये एक इमारत की तरह है। अगर एक इमारत की नींव अगर मजबूत हो तो उसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर भी जो है वो खड़ा रह सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको मेंटली स्ट्रेंथ मिले तो आपको सही स्थान पे खड़ा होना पड़ेगा, और एक सही स्थान, एक चट्टान प्रभु का वचन है। और आज एक बार फिर से मैं इस वीडियो में आपको कुछ समझाना चाहता हूँ जो खुदा ने मुझे समझाया है। आज इस वीडियो का जो नाम रखा गया है वो है तूफान में सोना। आप जान गए होंगे कि मैं आज कौन से वचन के ऊपर प्रचार करने वाला हूँ, लेकिन मैंने कुछ सीखा है इसमें से जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं आज के वचन को शुरू करूँ, मैं हमेशा की तरह आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ, हमारे इस वीडियो को पहले 50 वीडियो हमने बनाए हैं बेसिक टीचिंग के ऊपर। दुआ क्या है, बाइबल पढ़ना कैसे है, बपतिस्मा क्या है, प्रभु भोज क्या है, एक राइट चर्च क्या है, बहुत सारी बेसिक चीज़ें जो लोग नहीं समझ पाते हैं, हमने कोशिश की है कि हम उसे बड़ी आसानी से आपको बता पाएं। और आज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कैसे हम प्रॉब्लम्स के अंदर पीसफुल लाइफ जी सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा है और कई बार हम तकलीफ़ों में आते हैं, लेकिन परमेश्वर महान है। वो अपनी हर तकलीफ में हमें छुड़ा कर अपनी हमें एक नई पहचान देता है। क्या आपने नोटिस किया, बाइबल में लिखा गया है उसका नाम यहोवा शालोम, शांति देने वाला है। हम कई बार अशांत होते हैं और वो शांति के लिए आता है। कई बार आपने बाइबल में ये पढ़ा होगा कि उसका नाम यहोवा नीसी है, जय का झंडा। कई बार हम हार जाते हैं, वो जय ले आता है। उसका एक और नाम है यहोवा यीरे, जिसका मतलब है हमें मुहैया करने वाला। कई बार हमारी कमी घटियों में वो आता है और हमें मुहैया करता है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। इस समय आपकी स्क्रीन पर एक वर्ड है, लूका का 8वां अध्याय और उसका 22 और 23 वचन। फिर एक दिन वह उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। अतः उन्होंने नावें खोल दी। जब नाव चल रही थी तो वह सो गया, और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। कुछ लोग कहते हैं जब हम प्रभु में आते हैं तो हमारी सारी तकलीफें सॉल्व हो जाती हैं। मुझे लगता है ये आज की सदी का सबसे बड़ा झूठ है जिसमें ये बताया जाता है कि प्रभु में आने के बाद आपकी ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं आती है। मुझे लगता है ये भीड़ इकट्ठी करने के नए तरीके हैं ताकि लोग, क्योंकि हर एक के पास तकलीफ है। बाइबल नहीं कहती कि प्रभु के आने के बाद आपकी तकलीफें बिल्कुल ख़त्म सी हो जाती हैं। मैं इतना जानता हूँ कि जब हम प्रभु में आते हैं तो नो डाउट वो हमें तकलीफों से निकालता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि तकलीफें नहीं आएंगी। इसी के कारण आपने देखा होगा जब लोग तकलीफ में आते हैं तो वो प्रिपेयर नहीं होते हैं और वो हिलते रहते हैं। यहां पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह झील के उस पार जाने पर था और वो अपने चेलों को कहता है, आओ हम झील के उस पार चलें। जब चेले और यीशु उस बोट में बैठ के उस तरफ जा ही रहे थे, कलाम कहता है एक तूफान उठा, एक आंधी उठी और पानी नाव में भरना शुरू हुआ। मुझे बताइए, अगर यीशु नाव में है तो क्या तूफान नहीं आया? ये एक बहुत बड़ा झूठ है जो कहा जाता है कि आप प्रभु में आओ तकलीफें बंद सी हो जाएंगी। मैं हमेशा ये विश्वास करता हूँ कि तकलीफें तो आएंगी, लेकिन खुदा मुझे हर तकलीफ से छुड़ाकर अपनी एक नई पहचान मुझे देगा। बाइबल बताती है उसने फिरौन के मन को कठोर किया और विपत्तियां डाली, और इसराइल पे उसने अपने आप को प्रकट किया कि वो कितना सामर्थी है, क्योंकि अगर इसराइली उसकी सामर्थ को नहीं देखते तो उस पर भरोसा भी नहीं करते। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब यीशु उस बोट में था तो भी तूफान आया, तकलीफ आई, लेकिन चेलों ने उसे जगाया।
जगाना क्यों पड़ा? क्योंकि वो सोया था, और जैसे वो उठा उसे तूफान को शांत कर दिया, और वो लोग बहुत ज्यादा अमेज्ड हुए, शॉक हुए कि तूफान और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। अब मैं आपको एक रहस्य बताना चाहता हूं। चेले डर गए, यीशु सोया था, ये कैसे हुआ? आप जानते हैं, अगर आपकी शांति एक अच्छे माहौल पर निर्भर करती है तो आप कभी शांत नहीं रह पाएंगे। आप जानते हो, जब चेले उस बोट में चढ़े, उनका जो माइंडसेट था, उनकी जो शांति थी, वो एक अच्छे मौसम में थी। वो जब चल रहे होंगे वो बड़े शांत होंगे, क्योंकि मौसम अच्छा था, पानी शांत था। लेकिन जब उनके हालात बिगड़े, उनकी शांति भी चली गई, वो परेशान हो गए, और अपनी परेशानी में उन्होंने प्रभु को जगाया। लेकिन क्यों यीशु उस तूफान में सोया हुआ था? क्योंकि उसकी शांति एक अच्छे मौसम में नहीं, उसके स्वर्गीय पिता में थी। मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इन दिनों में किस पर निर्भर हैं? आप इन दिनों में अगर खुश और दुखी हैं तो जानते क्यों हैं? क्योंकि जब तक हालात ठीक हैं हम खुश हैं, हालात बिगड़ते हैं हम बिखर जाते हैं। हमारी खुशी हमारे हालातों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। हमें हर समय खुदावन की तरफ देखना चाहिए, और उसमें निर्भर होने के कारण हमें शांति होनी चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूं। कई बार हमारे जिंदगी में तकलीफें आती हैं, हम अपनी तकलीफों में इतने मिक्स हो जाते हैं, हम इतना सोचना शुरू कर देते हैं उस विषय में कि वो सारी चीजें हमारे अंदर आके डर, चिंता, एंजाइटी, होपलेसनेस सब पैदा करती है। और कई बार हम सोते भी हैं रात को तो हमारे दिमाग चलते रहते हैं, हम चिड़चिड़े से हो जाते हैं, हम अपनी सॉफ्ट जो एक कोमलता से बात करने का जो तरीका होता है हम वो खो देते हैं। क्यों? क्योंकि हम फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमेशा याद रखिए, जब भी आपके ऊपर तकलीफ आए, संकट आए, परेशानियां आए, लोग आपसे दुश्मनियां करें, लोग आपके लिए तरह तरह की बातें करें, विश्वास करिए और एक बात याद रखिए, आपको सीखना है कि कैसे इन चीजों को इग्नोर करके परमेश्वर की ओर निहारना है, उससे दुआएं करनी है, उसकी मदद के आने का इंतजार करना है। यही चीज आपको तूफानों में सोना सिखाएगी, यही चीज आपको शांत रहना सिखाएगी। आपको ये बात जाननी है कि आप भले कहां भी रहें, आपका मन उसमें रहे, आपका फोकस वो रहे। तकलीफें तो जब तक आप जिंदा हैं आएंगी, संकट तो आएंगे। आप हमारे प्रभु को ही देख लो, उसके पहले दिन पे ही उसे कहां कहां पर लेके भागना पड़ा ताकि वो हेरोद उसे मार न दे, और आप देखिए उसका अंत लकड़ी पर हुआ, क्रूस पर हुआ। और आज भी उसके संकट खत्म नहीं हुए हैं, वो आज भी इस दुनिया में बुरे से बुरे लोगों को बचाना चाहता है। मुझे लगता है इस दुनिया के अंदर सबसे अंदर टूटा हुआ व्यक्ति जो है वो हमारा परमेश्वर है, जो अपने लोगों को नाश होते हुए देख रहा है। लेकिन देखिए, वो गिव अप नहीं कर रहा, वो हर एक को सुसमाचार बता रहा है हमारे द्वारा, ताकि वो लोग बचें। हमारा भी यही एटीट्यूड होना चाहिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तूफान तो आएंगे, आंधियां तो आएंगी, बोट में पानी तो भरेगा, लेकिन अगर आपका ध्यान खुदा की तरफ से है, आप उसे पुकारते हैं, उसकी मदद का इंतजार करते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, वो आपको तूफानों में भी शांत रहना सोना सिखा देगा। वेट मत कीजिए कि तकलीफें चली जाएंगी, उसके बाद धन्यवाद दूंगा, उसके बाद शुक्रगुजारी करूंगा, उसके बाद आनंद करूंगा, उसके बाद मैं परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करूंगा। नो, आप जहां कहीं भी हैं उस पर भरोसा करिए कि वो सही समय पे आपकी मदद करेगा, और उस भरोसे में सोना सीखिए। कई बार जब हम रात को सोते हैं तो हम एक पिलो को लेते हैं, एक तकिए को लेते हैं। मुझे लगता है हमारे लिए तकिया परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं। आप जानते हो, आज मैं इस वचन को क्यों प्रचार कर रहा हूं, क्योंकि मैंने इसमें एक प्रतिज्ञा देखी। यीशु ये नहीं कहता जाओ, यीशु कहता है आओ। इसका मतलब वो हमारे साथ है।
मैं यीशु के नाम से कहता हूं, उसने आपको ये नहीं कहा है जाओ, उसने कहा है आओ, वो आपके साथ है। और अगर वो साथ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तूफान नहीं आएंगे, लेकिन याद रखिएगा वो आपको सिखाएगा कि कैसे तूफानों में सोना सीखते हैं, कैसे तूफानों में भरोसा करना सीखते हैं। और एक दिन आएगा जब आप सोना भी सीख जाएंगे, वो उठेगा और आपकी तकलीफों को कहेगा शांत हो जा, क्योंकि मेरे बच्चे ने मुझ पर भरोसा किया है। खुदा आपके साथ है। मैं उम्मीद करता हूं, विश्वास करता हूं कि इस छोटे से वचन के द्वारा आपने कुछ सीखा है। और हमेशा की तरह मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने एक आर्टिकल लिखा है हिंदी और इंग्लिश में। आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको मात्र इतना लिखना है तूफान, और हम वो आपको आर्टिकल हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में भेज देंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम इस सीरीज़ को, बेसिक को कंटिन्यू करें, तो आप हमें टेक्स्ट करके बताएं, कमेंट करें यूट्यूब पे। और अगर आपने आज के वचन के द्वारा कुछ सीखा है तो भी आप हमें कमेंट करके बताएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप आने वाले दिनों में आप और मैं तूफानों में सोना सीख लेंगे। खुदा हमारे साथ है। जय यीशु मसीह की।